हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक पहले से ही एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में, किस तरीके से हम बूथ वॉलपेपर सेट करेंगे, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन वॉलपेपर दोनों इकट्ठा किस तरीके से हम सेट करते हैं, उसका वीडियो बनाया था। किसी फ्रेंड ने देखा है और उसको कमेंट किया है जी, हमें बूथ वॉलपेपर को किस तरीके से हटाते हैं उसका वीडियो बना के दीजिए। तो फ्रेंड, इसकी रिक्वेस्ट की जो वजह से मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और इस वीडियो पर कॉमेंट करना। अगर चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो चालू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर है आपको। अगर आपका आप सबसे पहले ये देख लीजिए मेरे मोबाइल पे किस कौन सा वॉलपेपर लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, जहाँ पर आपके वॉलपेपर है या इमेज है, कोई भी इमेज आप ले लीजिए, कोई भी इमेज आप ले लीजिए यहाँ से। जैसे कि मैंने, देखिए ये वाला इमेज मैंने एक ले लिया। आपको वही सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में थ्री पॉइंट का ऑप्शन है, थ्री पॉइंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद देखिए सेट एज वॉलपेपर लिखा हुआ है, सेट एज वॉलपेपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ठीक से देखना, जैसे कि अगर ये अभी मैं वॉलपेपर लगा रहा हूँ, अगर इस वॉलपेपर को आप लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो आप सेट एज लॉक स्क्रीन करना, अगर होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो सेट एज होम स्क्रीन करना, अगर इस वॉलपेपर को आप सिंगल साइड में लगाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है, फिर वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जो आपकी बूथ सेटिंग है वो बूथ सेटिंग हट जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी मोबाइल स्क्रीन पे ऑलरेडी जो वॉलपेपर लगा रखा है उसी वॉलपेपर को दोबारा सिलेक्ट करके आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना या होम स्क्रीन पे कर देना, तो सिर्फ सिंगल साइड का सेटिंग हो जाएगा, आपका बूथ सेटिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको ये सेटिंग करने पड़ेंगे। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर दिया, तो फ्रेंड ये अगर इसको मैं लॉक करूँगा तो फ्रेंड ये इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बंद हो जाएगा, ये लॉक स्क्रीन पे सेटिंग हो गया। और मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी होम स्क्रीन का, ये देखिए इसमें क्लिक कीजिए, सेट एज वॉलपेपर कीजिए, अप्लाई में आइए और यहाँ पर होम स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये होम स्क्रीन पर लग गया और लॉक स्क्रीन पे भी लग चुका है ये वाला वॉलपेपर अलग से। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बंद करूंगा तो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। दोबारा बताता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी वॉलपेपर पे आना है। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ MI नोट 4 की मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको, और अनदर मोबाइल में भी आपको अलग अलग इस तरीके से सेटिंग आ सकता है। अब इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए राइट साइड में थ्री पॉइंट का ऑप्शन है, जिसके ऊपर चारों तरफ सर्कल है, उस पर क्लिक करना है। सेट एज वॉलपेपर पे आना है आपको, और यहाँ पर अप्लाई है, अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन और सेट बोथ, बोथ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो दोनों साइड में लग जाएगा, लॉक पे भी लगेगा, होम पे लगेगा। अगर आप सिर्फ लॉक पे लगाना चाहते हैं लॉक पे क्लिक कीजिए, अगर होम पे लगाना चाहते हैं तो होम पे क्लिक कीजिए। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।